पिछले कुछ दिनों से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू सुर्खियों में है और सुर्खियों में आने का कारण क्या है, हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों पहले 10 मिनट के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में ऑक्सीजन का कट हो गया था और उसके बाद ये बवाल जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। डॉक्टर्स पर आरोप लग रहे हैं कि डॉक्टर जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। आखिर सच्चाई क्या है, आज इसी सब पर बातचीत करने वाले हैं हम। और बातचीत करने के लिए इस समय मेरे साथ डॉक्टर सत्यदेव गुप्ता हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिरकार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की हकीकत क्या है। सर, पिछले कुछ दिनों से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है जम्मू का वो सुर्खियों में है, ऑक्सीजन का जब मसला सामने आया तो उस पर एडवाइज़र साहब ने भी सफाई दी, उन्होंने कहा कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सज़ा मिलेगी, लेकिन ऐसे टाइम पर ऑक्सीजन का कट होना कितना बड़ा खतरा जो है वो ये पेशेंट्स के लिए। सबसे पहले इसका बयान करने के पहले मैं अपनी एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं नाम तो आपने बता दिया है, तो मेडिकल कॉलेज में हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहा हूँ, इंटेंसिव केयर में रहा हूँ, एनेस्थीसिया में रहा हूँ और ये टीचर जो अपने जीएमसी जो टीचरों की ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका एमटीए उसको कहते हैं, मेडिकल टीचर एसोसिएशन, उसका मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ और आजकल मैं जम्मू डॉक्टर फोरम का भी प्रेसिडेंट हूँ। तो इस सारी निगाह पर देखते हुए मैंने आर्टिकल भी एक लिखा था और बात यह है कि जैसे अब हिस्टोरिकल ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में लें, जम्मू जो खित्ता है इसमें बहुत ही कम हॉस्पिटल बने हैं कंपैरेटिवली वैली के हिसाब से। वैली कोई 100-150 किलोमीटर से भी कम है, 3-4 घंटे में आदमी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकता है और वाइडर भी थोड़ी, और सारी पॉपुलेशन एक जैसी बोली बोलती है और आना जाना साथ में बहुत है। जिसको कोई भी तकलीफ हो, प्रॉब्लम हो, कोई ऐसी समस्या आए, वो चाहे वो जीएमसी में जाए, मेडिकल कॉलेज में श्रीनगर में, या शेर कश्मीर जाए, या और भी एसोसिएटेड कहीं जेलम वैली है और एसोसिएटेड हॉस्पिटल है, और उनके हॉस्पिटल जो ना बड़े अच्छे हैं और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर के हॉस्पिटल हैं वहाँ पर भी सुविधाएं वगैरह सब मौजूद हैं। पर यहाँ पर स्थिति बिल्कुल भिन्न है। मेडिकल कॉलेज जम्मू कंपेटिव कब से तैयार हुआ और उसमें अगर फंड भी देखे जाएँ तो मेडिकल कॉलेज जम्मू में फ़ंड थोड़े ही रहे, और जहाँ पर जो दूसरे इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट करने की जो ज़रूरत थी, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पहले सुना था, एम्स लाइक हॉस्पिटल बनेगा सुनते सुनते, जैसे एक कहते हैं इट स्टार्टेड लाइक ए बैंग एंड एंडेड इनटू विम्पर, एक बम की तरह शुरू हुआ और सुरसुरी की तरह ख़त्म हो गया। तो अभी भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल उस तरह काम नहीं कर रहा जिस तरह उसको करना चाहिए। और दूसरी बात है, सबसे बड़ी बात है कि रिसोर्स जो होना है, ह्यूमन रिसोर्स जो होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स में जो हमारा डॉक्टर्स हैं जो फैकल्टी मेंबर हैं वो भी कम है। अब 350 फैकल्टी टोटल स्ट्रेंथ है, उसमें 200 हैं, 150 है ही नहीं, उनके फिल्म भी नहीं हुए हैं। इसी तरीके से हम 4500 यानी कि 4500 ये पैरा मेडिक्स हैं, इन पैरा मेडिक्स में 200 जो लोग ऐसे हैं उनकी पोस्टें भरी नहीं गई। जब आप ये कह लो कि 40-45% स्टाफ शॉर्ट हो, उसका काम कौन करेगा। और एक बात एक और भी है, बहुत सारे डॉक्टर अब जो भी रिसोर्सेज थे कुछ हुआ था इन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन बहुत से डॉक्टर बीमार हो गए और बीमार होने के बाद वो काम पर नहीं आए। अब मैं एक बात बताता हूँ, मेडिसिन डिपार्टमेंट में जो फैकल्टी है वो लगभग 25 के लगभग है, और उसमें मतलब लगभग आधी से थोड़ी सी कम 40% पोस्टें भरी नहीं है। 14 डॉक्टर रह गए हैं, 14 में से 5 कोविड हो गए और 9 कुल रह गए। अब कुछ उसमें प्रोफेसर हैं, सीनियर हैं, जूनियर हैं, मतलब बहुत ही कम है। मतलब सारा ये है कि एक तरीके की अव्यवस्था सी हो गई है। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि बहुत सारे आरोप लग रहे हैं कि डॉक्टर सही तरीके से इलाज नहीं कर रहे हैं,
क्या डॉक्टर सही तरीके से इलाज नहीं कर पा रहे हैं, या फिर डॉक्टरों के पास वो साजो सामान ही नहीं है कि वो उस तरीके का इलाज कर पाएँ? क्योंकि देखिए, डॉक्टर समर्थ हैं अपना काम करने में। इस पेंडेमिक के दौरान जो है, अगर सबसे पहले कोई आया तो वो डॉक्टर सामने आए, अपनी जान को खतरे में डालकर वो दूसरों का इलाज कर रहे हैं। वो हीरोज़ हैं, नेशनल हीरोज़ हैं, लेकिन क्या डॉक्टर्स के पास वो साजो सामान है कि खुद की जान को भी बचाना है और दूसरे की जान को भी बचाना है? आपने ठीक सवाल पूछा। सबसे पहले एक आपने पिछले जो अपना सवाल था उसमें ऑक्सीजन की बात की थी। ऑक्सीजन इस प्रकार से है कि जब मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट था उस वक्त कोई 8-9 वेंटिलेटर होते थे, तो यह है 2007 की बात। इसके बाद खैर सरकार ने कुछ ना कोई खर्च तो किया, ये तो नहीं मैं कहता सरकार ने कुछ नहीं किया, कुछ ज़रूर किया है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जब से ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हमारी यूनियन टेरिटरी और उससे पहले, काफ़ी सारा पैसा जो है इधर इन्फ्यूज़ किया है, इन्फ्यूज़ किया है। वेंटिलेटर भी हमारे पास जो था ना, सेंटर ने परचेज करके वेंटिलेटर 156 वेंटिलेटर लाए हैं जो फील्ड में है, उसके साथ 33 वेंटिलेटर अब काम कर रहे हैं, और 56 वेंटिलेटर कोई इस तरह, और हाँ 70s में है वो अभी, 78 वो अभी डिफेक्ट पड़े हैं। अब मैं एक बात बताऊँ ऑक्सीजन की जो बात है ना, एक जो बिग सिलेंडर है उसमें कैपेसिटी होती है 7,000 लीटर की। अगर नॉर्मल तौर के ऊपर जो पेशेंट है जिसको थोड़ी मीडियम तौर पर बीमार है उसको 6-7 लीटर तक हम ऑक्सीजन देते, जो और कम बीमार है उसको 3 लीटर, उसको वो बीमार नहीं मानते, 2-3 लीटर से काम चल जाता है। लेकिन बड़े सारे पेशेंट जो सिक आ गए जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े, 10-15 लीटर तक, मतलब पर मिनट तक उसको ऑक्सीजन फ्लो होता है। जब इतना ऑक्सीजन फ्लो हो तो 7,000 लीटर वाला जो सिलेंडर है वो अगर 6 लीटर फ्लो हो तो वो चलेगा 18 घंटे, अगर 12 लीटर फ्लो हो तो 9 घंटे तक, बड़ा सा जो सिलेंडर है। अगर आप वेंटिलेटर के ऊपर किसी पेशेंट को रखते हैं वो 30-40 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन लेता है। वो जहाँ तक लिक्विड ऑक्सीजन की बात है, एक लिक्विड ऑक्सीजन 1 लीटर उससे 700 लीटर तक गैसियस जो ऑक्सीजन है वो निकलती है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमें कहाँ कहाँ शॉर्टेज होती है। अगर इतने बेड हो जाते हैं, अगर इतनी रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की बढ़ जाती है, फिर ये सारी चीज़ें जो व्यवस्था कुछ लोगों के लिए तैयार है, अब कोविड का रश इधर आ गया है और उसमें ये चीज़ें हो नहीं पाती। अब जो है ना, इन्होंने ऑक्सीजन के साथ एक और चीज़ है, उसको कहते हैं कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वो भी वार्ड में कोई 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है। मैं इस मुद्दे पर आता हूँ कि एक डॉक्टर जो है, दीपक नाम का डॉक्टर था, पर्टिकुलरली आप जैसे मर्जी एक्शन के, गवर्नमेंट जैसे मर्जी एक्शन के, कुछ दिन पहले, 1.5 हफ्ता पहले तो उसको लगाया था उधर इस ड्यूटी के ऊपर, तुमने सिलेंडर का सारा सिस्टम देखना है। अब जब इतनी रिक्वायरमेंट है, वो उनसे मेरी बात हुई है, सारी बातें कहते कि मैंने 4 बड़ी ब्राह्मण की कंपनियां, एक उधमपुर की कंपनी और बाहर जो इंडस्ट्रियल के इंडस्ट्री से दिन रात काम करता रहा, पर जितना भी बन सका मैंने बनाया। और अल्टीमेटली बात है कि अब पेशेंट की डेथ बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बड़ा दुर्भाग्य की बात है अगर किसी मरीज़ की डेथ हो जाती है। जब रिसोर्सेज थोड़े हैं हमारे पास, ह्यूमन रिसोर्सेज थोड़े हैं और कुछ है ही नहीं है, तो कुछ स्ट्रक्चर काम कैसे चलेगा? एक दिखाने के लिए, शो करने के लिए एक डॉक्टर को वो कहे हाँ भाई ये कल्प्रेट, ये कल्प्रेट नहीं होता, आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए। अब इन्होंने टीम भी बिठाई थी मेरे हिसाब से, जो मुझे जानकारी मिली है, तो डॉक्टर यशपाल शर्मा उस टीम में थे और इंजीनियर थे, चीफ इंजीनियर और एक और कोई व्यक्ति थे, तो इन लोगों ने जो है उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया कि इसकी फॉल्ट है। जब
सारी व्यवस्था जब चरमरा जाए ना किसी छोटे व्यक्ति पर जिसके रिसोर्सेज का मैं जान पहचान कर उसके ऊपर डाल देते। अब ये बात इनकी है कि उस डॉक्टर को इस तरह आगे लोग लगे हुए हैं, आप उसको डीमोरलाइज करोगे फिर बाकियों पर एक ना मैसेज गलत जाता है, संदेशा गलत जाता है लोगों, हम काम कर रहे हैं और डॉक्टर कम्युनिटी ही काम करती है। आप जहां मर्जी जाओ, सेक्रेटरी में जाओ, कहां भी जाओ, किधर भी जाओ, डीसी ऑफिस जाओ, पटवारी के पास जाओ, किधर जाओ, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं अगर कहीं काम काज अच्छा होता है वो हॉस्पिटल में ही होता है। लेकिन आरोप भी लगता है। अब पुलिस वालों की मैं एग्जांपल बताता हूँ। अब पुलिस वाले बेचारे हैं, वो भीड़ में भेज देते हो, कोई पब्लिक भी नाराज, सरकार भी ऊपर से रोक डालती है और जूते खाने को पुलिस जूते खाती है, डंडे खाती है, पत्थर खाती है और फिर बदनाम भी पुलिस को करते हैं, पुलिस ने ये किया। इसी प्रकार से ना पुलिस के पास फिर भी कुछ अथॉरिटीज़ होती है, डॉक्टरों के पास कोई अथॉरिटी नहीं थी। अच्छा मैं ये तो चलो रही ना एक बात, गवर्नमेंट को चाहिए सारा अच्छी तरह विश्लेषण करे इस स्थिति को और स्थिति को उभारने के लिए प्रैक्टिकल काम करें। अब मैं कुछ हो भी रहा है, कुछ अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब दिल्ली गए हैं, बड़े युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं लेकिन उनके नीचे लेवल के ऊपर उनको भी ऐसे काम करना पड़ेगा। लोग ऐसा दिखता नहीं है कि कोई कंक्रीट वर्क हो रहा है, क्योंकि लोगों में अभी ये भावना घर कर गई है कि हॉस्पिटल जाना अव्यवस्था है, वहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक बात मैं बताता हूँ। जब मैंने कहा ना फील्ड में 156 वेंटिलेटर है, अब आरएसपुरा में इन्होंने 10 वेंटिलेटर है, बछना में 10 वेंटिलेटर है और रामगढ़ में 10 इसी तरह तहसील डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी इन्होंने वेंटिलेटर पहुँचा, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा तो दे दिया, खुला पैसा दे दी। अब जब वेंटिलेटर के लिए ना चलाने के लिए एक वो स्टाफ चाहिए, एनेस्थेटिस्ट चाहिए, उसके साथ उसके पैराफर्निलिया मशीनें होती हैं और उसके बाद राउंड द क्लॉक ड्यूटी होती है, स्टाफ की भी ड्यूटी होती है। तो मेरा मतलब यह है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर कंसंट्रेट करके, इतना टाइम बीत गया, 6 महीने से ज़्यादा बीत गया और इतनी देर में कोई युद्ध स्तर पर एक बड़ा हॉस्पिटल तैयार कर लेते, कोविड हॉस्पिटल एक जगह और जनरल हॉस्पिटल एसोसिएटेड उसको भी, जनरल हॉस्पिटल में और लोगों की ट्रीटमेंट भी होती रहती, जो ओपीडी में पेशेंट आ नहीं रहे बेचारे, जिनको मुसीबतें हैं वो क्या करें। कोविड हॉस्पिटल की बात करो, उसमें जो आगे पीछे जो लोग जिस स्पेशलिटी में, एनेस्थीसिया में, सर्जरी में है, पैरामेडिकल स्टाफ है, मेडिसिन में लोग हैं, तो और मेन स्पेशलिटी को उसको उस जगह कंसंट्रेट करके सारी फैसिलिटी एक हॉस्पिटल में प्रोवाइड करके, ऐसे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में एक हॉस्पिटल बना दो बड़ा, आप सांबा कठुआ डिस्ट्रिक्ट है उनमें एक बड़ा हॉस्पिटल बना दो, हर तरीके से हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, 10 में बड़े बड़े डिस्ट्रिक्टों में आप हॉस्पिटल बना सकते। इस तरीके से अगर हॉस्पिटल बन गए होते या हॉस्पिटल की व्यवस्था अच्छी होती। अब मैं एक और बात, गांधीनगर हॉस्पिटल को इन्होंने कोविड हॉस्पिटल तैयार किया ना, गांधीनगर हॉस्पिटल में मरीजों के बेड में वजह की पाइपलाइन है ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, जो पाइपलाइन होता है जहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई, लेकिन पीछे प्लांट ही नहीं है, सिलेंडर ही नहीं है, अब किस तरीके से होगा काम। अब वो छोटे छोटे सिलेंडरों से वहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई करते, कहीं मिलती है कहीं नहीं मिलती है, तो इस तरीके ना ये सिस्टम है। अब इनको चाहिए, कई बार ना हमारे ब्यूरोक्रेट्स भाई जो ना ऑफिसर लोग हैं उनकी ट्रेनिंग है ऐसे ही हुई होती है, उनके मन में यही होता है कि जो उनके बराबर कोई समझदार है ही नहीं है, वो दूसरों की बातें कम सुनते हैं, तो लेकिन ईमानदार भी हैं उनमें से, डेडिकेटेड भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन मोर और लेस ना एक तरीके का ये है, एक एटमॉस्फियर सा है। मैं उनका फॉल्ट नहीं मानता टोटल, लेकिन एक प्रकार का एक जो ना थॉट है कि जो हमें आता है और दूसरे को नहीं आता। आप अगर कोई पुल बना रहे हैं, इंजीनियर्स अच्छे बैठाओ उनका राय लो, हॉस्पिटल बनाना डॉक्टर अच्छे हो उनकी राय लो, तो ये भी हो सकता है। हमारे ना श्रीनगर में और हमारे जम्मू में डॉक्टरों में पता क्या फ़र्क है, श्रीनगर के जो लोग हैं डॉक्टर सारे ये पॉलिटिकली ज़्यादा एडवांस्ड है,
उनके वेल कनेक्शन है और वो ठीक सेटल्ड है, वो अपनी बात दम के साथ ऑफिसरों के साथ बोलते हैं और ऑफिसर भी ना काम करने में अपना बड़प्पन दिखाकर दरिया दिली दिखाकर हेल्प करते हैं। यहाँ पर हमारे डॉक्टर भी ना कुछ लोग उतना प्रोजेक्ट नहीं करते जिन्हें उनको प्रोजेक्ट करना चाहिए, मतलब उनको शायद अंदर से डर लगता है कि आप भाई ऑफिसर नाराज़ हो जाएगा, जो सीनियर ब्यूरोक्रेट कमिश्नर है कोई है उसको ये बात ना बता दूँ। हाँ भाई मोर और लेस ऐसा कि ठीक चल रहा है वो नहीं होता, लेकिन बात जब सिर के ऊपर डंडा पड़ता सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है, कुछ नहीं फिर बचता। मेरा जो अगला सवाल था कि आरोप डॉक्टर्स पर ये लग रहे हैं कि डॉक्टर अच्छे से इलाज नहीं कर रहा, क्या आपको लगता है कि डॉक्टर अच्छे से इलाज नहीं करता या फिर डॉक्टर्स के पास वो इक्विपमेंट्स ही नहीं है, वो सामान नहीं है, वो हथियार नहीं है जिससे वो अच्छे से इलाज कर सके? क्योंकि खतरा तो देखिए डॉक्टर को भी है, डॉक्टर कोरोना से लड़ रहा है, खतरा तो डॉक्टर को भी है। बहुत सारे डॉक्टर्स को कोरोना हो चुका है लेकिन वो फिर भी दिन रात काम में लगे हुए। अच्छा इसमें ये है डेफिशिएंसी भी तो है डॉक्टरों की, और दूसरा कि सरकार को और डॉक्टरों को भी ना, पहले डॉक्टरों की बात करते हैं, जितनी अपनी कैपेसिटी है उससे काम कर भी रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए सरकार की, वैसे इनिशिएटिव तो सरकार की तरफ से आएगा ना, ऐसी व्यवस्था हो जाए कि जो नॉर्मल OPDs वगैरह है ना वो शुरू होने चाहिए, उसकी पूरी व्यवस्था उस तरह होनी चाहिए। और दूसरा जो कोविड पेशेंट है इनको मैंने ये कहा कि फील्ड में अभी भी डॉक्टर हैं, जब मैंने ये आपको बताया ना आपको डिफरेंट जगह डॉक्टरों को, उसमें ढूंढो कौन स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, कौन ठीक है, कौन इस फील्ड में, उनको सबको इकट्ठा कर दो। जब इमरजेंसी वार फुटिंग के होते हैं ना वो नॉर्मल पॉलिसी अलग हो जाती है और वार फुटिंग की जो है ना वो वर्क ज़्यादा उसकी पॉलिसी अलग होती है। अब जम्मू में इस वक्त लोगों को एक आतंक सा छाया हुआ है कोविड का, कहीं दो आदमी मिलते हैं उसको कोविड ना हो, उसको कोविड ना हो। अगर ये भी है कि अगर हॉस्पिटल जाएं तो जाएं कहाँ, हॉस्पिटल गए तो वहाँ पर भी कोई छोटी नहीं है किस तरह हाल होगा किस तरह नहीं हो। तो मेरे विचार से मैंने आपको पहले ही बताया ना, एक हॉस्पिटल फील्ड में बड़े सारे डॉक्टर ऐसे हैं जिनको कोई कामकाज नहीं, अब जाते हैं अटेंडेंस लगा कर आ जाते हैं। अब ये जो ना इनिशिएटिव ये प्रकरण गवर्नमेंट को खुद क्रियात्मक इसको बनाना पड़ेगा एक तरीके के, जो जो स्पेशलिटी के जहाँ जहाँ डॉक्टर हैं देखना एनालाइज करो कामकाज हो रहा है नहीं हो रहा है, उनको इकट्ठा करके एक सेंटर हॉस्पिटल में, जैसे युद्ध स्तर के ऊपर कोई उधर की डिवीजन उधर उधर चले गई, कोई कोर उधर आ गई तो कोई अरेंजमेंट को इधर से उधर शिफ्ट कर, ऐसे युद्ध स्तर पर काम होता है। तो इस वक्त जो है ना मेन कोविड की तरफ ध्यान देना चाहिए, और जब कोविड की तरफ ध्यान दे फील्ड से जो है ना, फील्ड मीन्स विलेज लेवल, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल के डॉक्टर एक जगह कंसर्न है, अंडर वन फ्लोर वन रूफ बहुत सारी फैसिलिटियाँ दी जाएँ और मरीज़ उधर एडमिट हो जाएँ, उनको ऑक्सीजन भी पीछे सप्लाई लाइन भी करें ऑक्सीजन दें, और फिर मेरी व्यवस्था ठीक हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है डिस्ट्रिक्ट में ना डॉक्टर जाते हैं, क्या काम करते हो, क्या सर्जरी करते, आजकल सर्जरी कहाँ होती है, तो लोग डरे हुए हैं, कोई आते ही कम है, कोई कोई सर्जन आ जाता है तो कोई पेशेंट आ जाता है पहले से कोविड पॉजिटिव होगा तो वो नहीं आएगा, अगर नेगेटिव होगा कोविड टेस्ट करा के तो फिर हमारे पास आएगा फिर हम कहीं ऑपरेट कर दें, लेकिन बहुत ही कम। लेकिन फिर भी ना एक और बात है, प्राइवेट नर्सिंग होम में फिर भी इस तरीके के थोड़ा बहुत काम हो रहा है, लेकिन डर डर का हो रहा है, कुछ हो भी रहा है। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ये जो पॉलिसी है ना ये एक युद्ध स्तर के ऊपर ये सारा को चैनलाइज करना चाहिए, एक बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा, सभी को अपना दिमाग बुद्धि और जेन के इन प्रकार हर तरीके से इकट्ठा होकर, जहाँ पर पैसे की ज़रूरत है वहाँ पर पैसा करो, जहाँ पर इंजीनियर वगैरह ज़रूरत है ऑक्सीजन लिक्विड ऑक्सीजन ये उनकी जल्दी जल्दी प्लांट बनाना चाहिए, अगर लिक्विड ऑक्सीजन जितने भी मिलती है प्रिक्योर किया जाए, नहीं तो
बड़ी देर हो गई है। तब पिछले साल आई थिंक मार्च में इसका प्लांट शुरू होना शुरू हुआ था, तो अभी तक उसकी डेफिशिएंसी कोई भी नहीं पूर्ण हुई। कोई भी अगर है ना, आपको कोई भी हॉस्पिटल बनाना कोई कुछ ना, अगर 20-25 साल देखना चाहिए। अब एम्स भी नहीं बना, कुछ भी नहीं बना, सुपर स्पेशलिटी भी नहीं बनी, तो जम्मू के लोग जाएं तो जाएं कहाँ। चलिए, तो डॉक्टर सत्यदेव गुप्ता हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, और देखिए इन्होंने बहुत अच्छे इशू पर कहा है, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन की कमी थी उस पर भी हमने चर्चा की, उसके बाद डॉक्टर्स किस प्रकार से कोरोना के साथ लड़ रहे उस पर भी हमने चर्चा की, और सबसे अहम बात आखिर में इन्होंने कहा कि एम्स कहाँ है अभी तक। अगर सोचिए कि जम्मू का वो एम्स अभी तक बन गया होता, जिसके लगभग 5 बार उद्घाटन हो चुका है उस एम्स हॉस्पिटल का, वो हॉस्पिटल अभी तक तैयार नहीं हुआ। अगर वो एम्स तैयार हो जाता तो शायद आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू पर इतना बर्डन नहीं होता, और शायद लोग ये भी ना कह रहे होते कि डॉक्टर्स काम नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास वो प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है, जिससे वो सही तरीके से इलाज कर सके। हम सबको भी इस बात को समझना होगा। आप लोग देखते रहिए आर्ली पोस्ट, कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।